गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद माई डियर चिल्ड्रेन, माई सेल्फ मोना केशरी फ्रॉम MVM पब्लिक स्कूल. चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन. एंड टुडेज टॉपिक इज शेडो. इट मीन्स परछाई. हैव यू एवर नोटिस डैट वेन यू वॉक ड्यूरिंग अ क्लियर सनी डे समबडी वॉक्स अलॉन्ग विथ यू. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप धूप में वॉक करते हो तो आपके साथ साथ कोई चलता है? Who is that? वो कौन है? It is your own shadow. वो आपकी खुद की परछाई है जो आपके साथ साथ चलती है. There are times when it appear as if the person is changing or flowing his or her shadow. ऐसे समय होते हैं जब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें फील होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और वो हमारी क्या होती है? परछाई. A shadow is formed when the path of light is blocked by an opaque object. और shadow कब बनता है? जब कोई object जो है light को block कर देती है, pass नहीं होने देती. If you stand with your back towards the sun, you will surely see your shadow which appear to be following you. यदि आप सूर्य की ओर अपनी पीठ के साथ खड़े हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी छाया देखेंगे, मतलब अपनी शैडो देखेंगे जो कि आपको फॉलो करती हुई दिखाई देती है. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट. ऑल दो शेडो आर फॉर्म्ड यूजिंग लाइट फ्रॉम द बल्ब, कैंडल्स एक्सेट्रा. ठीक है, सन जो है मेन स्रोत है लाइट का, लेकिन उसके बावजूद जो है बल्ब और कैंडल्स भी हमारे शेडो बनाने में हेल्प करते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे भी तो लाइट मिलती है. The shadow of an object is formed when an opaque object is placed in the path of rays of light. जब कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइट जा रही है, पास हो रही है, तो उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है लाइट के बीच में, तो लाइट को ब्लॉक कर देती है, तभी शैडो बनता है. द ओपेक ऑब्जेक्ट अनलाइक अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट द रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट. मीन्स जब ओपेक ऑब्जेक्ट, वो लाइट को पास होने नहीं देती, अपने आगे निकलने नहीं देती, तो उसी से शेडो बनता है. अ लाइट सोर्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ सर्फेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट आर द थ्री थिंग्स. तीन चीज़ों की जरूरत होती है शेडो बनने के लिए. क्या क्या? एक लाइट स्रोत, ठीक है, स्रोत चाहिए, सोर्स चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और किस पर बनेगा शेडो? वो सर्फेस चाहिए. द लाइट रेज गो पास्ट द बाउंड्री ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट. जो लाइट रेज है ओपेक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए दोनों साइड से जाती है. दिस फॉर्म द, ये क्या बनाती है? शेडो की आउटलाइन बनाती है. द सेंटर ऑफ द शेडो रिसीव नो लाइट. और जो बीच होता, सेंटर होता है शेडो का, वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती. इट वहाँ पे अंधेरा होता है, सबसे डार्क पोर्शन होता है, तो उसको हम अम्ब्रा कहते हैं. फिगर में देखिए जो ब्लैक कलर की पोर्शन है वो क्या है? अम्ब्रा. द आउटलाइन ऑफ द शेडो रिसीव सम लाइट. और जो आउटलाइन होती है शेडो की, उसको कुछ मात्रा में लाइट मिलती है. ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से दिस लाइटर पार्ट इज नोन एज पेनम्ब्रा. और यही जो सबसे हल्का पार्ट है वो क्या है? पेनम्ब्रा. चिल्ड्रेन, आई होप आप लोग को अम्ब्रा और पेनम्ब्रा समझ में आ गया. फिगर में देख लीजिए चिल्ड्रेन, सोर्स ऑफ लाइट जब पास हो रही है, ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ रहा है, तो लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है. जब लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है तो शेडो बन जा रहा है. ठीक है, जब शेडो बन रहा है तो जो डार्क पार्ट है वो अम्ब्रा है, जो लाइट पार्ट है वो पेनम्ब्रा. शेडो आर द एरियाज वेयर लाइट डज नॉट फॉल. शेडो एक ऐसी एरिया है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती. देयर फॉर शेडो, इसलिए शेडो या तो ब्लैक कलर का होता है या तो ग्रे कलर का. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट इज द सन. सबसे कॉमन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? स्रोत क्या है लाइट का? सन. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट. और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को पास होने से रोक देता है. दस अ डार्क एरिया अपीयर बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. तो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क एरिया बन जाता है, गाढ़े रंग का एरिया बन जाता है. दिस डार्क एरिया, और यही डार्क एरिया क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो है, ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई है. द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. जो साइज है शेडो के, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, कारकों पे डिपेंड है. सच एज द टाइम ऑफ द डे, दिन का समय. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज ब्लॉकिंग द लाइट. एंड द पोजिशन ऑफ द सन एट टाइम द शेडो क्रिएटेड. छाया का आकार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि दिन का समय, प्रकाश को रोकने वाला ऑब्जेक्ट का आकार, और जिस समय शेडो का निर्माण होता है उस समय सन की स्थिति पर निर्भर करता है. द लेंथ ऑफ अ शेडो चेंजेस सिग्निफिकेंट डे. और जो शेडो की लेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है?
जो लेंथ की शेडो होती है, मतलब एक शेडो का लेंथ दिन भर में काफ़ी बदल जाती है, दिन भर में शेडो की लेंथ बदलती रहती है। द लेंथ ऑफ द शेडो इज द पोजिशन ऑफ द सन, और सन के अनुसार जो है, सन के अनुरूप शेडो की लेंथ चेंज होती रहती है। एट सनराइज, जब सूर्य उगता है, द हाइट ऑफ द शेडो इज लॉन्गर, तो शेडो की हाइट सबसे लंबी होती है। दैन द मिड नाइट, दोपहर की तुलना में, सो द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द सन विल बी लॉन्गर दैन द मिडिल ऑफ द डे, मीन्स दोपहर से ज़्यादा सुबह का शेडो लंबा होता है। सिमिलरली, इसी तरह जब सनसेट होता है, द शेडो विल बी लॉन्गर, उस समय भी सनसेट के समय भी शेडो लंबा होगा, दोपहर से लंबा होगा। ऑल दो द शेडो विल फॉर्म इन द, और शेडो जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, सनसेट के अपोजिट डायरेक्शन में, इन द आफ्टरनून, और शाम के समय शेडो इज शॉर्टर, शेडो जो है छोटा होता है लेंथ में, एज कम्पेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम की तुलना में नून में, दोपहर में जो है क्या होता है, शेडो छोटा होता है। दिस इज सिंपली, ये क्यों होता है, क्योंकि शेडो इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि शेडो जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे बनता है। शेडो शोज द फॉलोइंग फीचर्स, शेडो में कुछ फीचर्स हैं, इट वनली शोज द शेप एंड आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम सिर्फ हमें शेडो की परछाई की शेप और आउटलाइन दिखाती है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, और शेडो जो है हमेशा ब्लैक कलर का होता है। द साइड ऑफ द शेडो, द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, और साइज शेडो का किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट पे और सोर्स ऑफ लाइट के डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट के और स्क्रीन के डिस्टेंस पर। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको शेडो परछाई समझ में आ गया हो, ठीक है। टुमारो आई विल टीच यू एक्लिप्स, इन दिस सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज, दिस टू थिंग टुमारो आई विल टीच यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।